अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने देश से पलायन किया है। चरमपंथी तालिबान की हिंसा से डरे अफगान नागरिक दूसरे देशों में शरण तलाश रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला व्यवहार मुस्लिम देशों का रहा है, जिन्होंने अफगानी शरणार्थी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ईरान के अलावा किसी भी बड़े मुस्लिम देश ने अफगान शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। शिया बहुल ईरान में पहले से 3.38 मिलियन अफगानी शरणार्थी रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी की डाटा के मुताबिक 33,80,000 शरणार्थियों में 7,80,000 मान्यता प्राप्त शरणार्थी हैं, जबकि 20,00,000 शरणार्थियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं 6,00,000 के अफगानिस्तान का पासपोर्ट है। अफगानिस्तान से लगे ईरान के 3 प्रांतों ने अफगानी शरणार्थियों के लिए इमरजेंसी टेंट लगाए हैं। ईरान एकमात्र बड़ा मुस्लिम देश है जिसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आधिकारिक लाइन का पालन किया है। OIC के अन्य देशों में पाकिस्तान भी शामिल है, जिसके यहाँ बड़ी संख्या में अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने इस बार सीधे तौर पर किसी भी रिफ्यूजी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान संकट पर OIC ने रविवार को बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान से सामान्य नागरिकों को सुरक्षित निकाले जाने पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद OIC की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में नागरिकों की सुरक्षित निकासी के सुरक्षित रास्ता निकाला जाएगा। OIC में 4 महाद्वीपों के 57 मुस्लिम देश शामिल हैं। UNHCR के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में 14,00,000 रजिस्टर्ड अफगानी शरणार्थी हैं। इनमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले शरणार्थियों की संख्या 30,00,000 है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार अफगानी शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इससे ज्यादा शरणार्थियों को नहीं रख सकते। सऊदी अरब अफगानी शरणार्थियों को पनाह देने के मामले में खामोश है। दूसरी ओर तुर्की ने ईरान बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कही है, जिसके बाद तजाकिस्तान ने अपने सैनिकों को अलर्ट किया है। तालिबान के आतंक के बाद अफगानी लोगों का क्या हश्र होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।